सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से मेरे साथ आए हमारे टीम के सभी सदस्य और भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आज मैं संत शिरोमणि भगवान रविदास जी की 645वीं जयंती पर अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से हमारी समस्त टीम की तरफ से सभी वार्ड नंबर 12 वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो धर्मपाल रत्ती जी बड़े जोश में थे, बड़ी ग्रांट की पैसे की बातें कर रहे थे। धर्मपाल जी, मई जून का महीना था, आपके वोट के सहयोग से मेरे जैसे छोटे से गरीब से आदमी को आपने दूसरी बार चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का काम किया है, इसलिए मैं आपके इस बात को भूलता नहीं। और बागड़ी जी तो बड़े जोर दे करके याद कर रहे थे बार बार। मैं भी अब तो मेरा फर्ज बनता है कि 5 साल के लिए आपने हमारे को चुन करके भेजा है, जितनी हो सके मैं आपकी सेवा करने का काम करूं। मैं आपके बीच में कोई नेता एमएलए या राजनीति करने नहीं आया, मैं आपका किसी का छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, और ये बच्चे बैठे हैं, किसी का चाचा ताऊ गण है तो दादा भी लाग दूंगे। क्योंकि वाले बता ये इंदर कहीं है, इंदर क्योंकि वाले होंगे, सारा हमारा परिवार है। तो और राजनीति के घर दूर हैं साथियों, अपने जैसे आदमियों की। ये तो आप जैसे भाई कुलदीप बागड़ी जी कह रहे थे, सिमरा जी कह रहे थे, भाई इकट्ठे हो जाओ, अपनी ताकत को पहचान लो। कुलदीप जी ये इस बात को अपने से भी ज़्यादा जानते हैं, सच्चाई है। जब चुनाव था यही तो बैठे हैं सभी बहन भाई, नहीं तो अपना और उनका क्या मुकाबला था, कहीं भी नहीं ठहरते। परंतु ये इन भाइयों की ताकत थी कि उन्होंने अपने भाई को पहचान करके चंडीगढ़ भेजने का काम किया। अब तो मैं जो 5 साल जो मेरे से बढ़ पड़ेगा, जो सेवा होगी आपकी, करने का काम करूँगा। बात कह रहा था कि मई जून का महीना था, तब हमने ये राम कुमार आपका पड़ोसी है ढोडखेड़ी वाला, ये सुरेश भी ढोडखेड़ी से है, यहाँ मेरे को जा करके वहाँ टोकता रहता है, कमारों वाली गली बना दो, उन वाली गली बना दे, रम हम बनावेंगे भाई, ये रोज बारिश हो जा, तू रुक जा सुरेश। तो राम कुमार हम नगर पालिका के एक्शन को, SDO को, ME को, JEE जो चमार जाति से है, भाई पंकज है ना नाम, पंकज को लेकर के आपको आदमियों को तो पता भी नहीं होगा, इन सभी गलियों में हम घूम करके गए थे। और पंकज ने ही अपने आप ये नाम लिखे थे, मैंने कहा था कि पंकज भाई एक गली भी नहीं छूटनी चाहिए, क्यों ये अपने बहन भाई हैं, इन्होंने अपनी वोट के द्वारा, हम कहते थे भाई वोट नायब सैनी को दियो, यूँ कर देंगे, ये कर देंगे, नायब सैनी को जितवाने का काम किया, फिर नगर पालिका के चेयर इनके चुनाव आगे उन मेंबरों को जितवाने का काम किया, फिर पार्टी ने मेरे जैसे आदमी को टिकट दे दी, मेरे को आपने जितवाने का काम किया। भाई राम कुमार में एक गली नहीं छूटनी चाहिए, और हम आपकी गलियां लिख के ले गए थे धर्मपाल जी, और ये लिख लिया था जिस तरह जिस किसी का भी मकान है, पहला मकान और आखिरी मकान, माँ लीला का मकान था लेकर बिल्ला का मकान तक कोई छुटना चाहिए, सारे लिख ले भाई। नहीं सच्चाई, हम यहाँ को सारी गलियों में इवन के शुगर मिल तक जा करके लिख करके लेके गए थे, और मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने 22 जैन साहब 25 करोड़ का बिल दिया था हमने, सभी गलियों का, चाहे बलराज नगर था, चाहे रामनगर था, चाहे सिरटा रोड था, चाहे अर्जुन नगर था, और चाहे पंत नगर था, अपना ये वार्ड नंबर 12 दूर प्योदा रोड तक, सभी 25 करोड़ का एस्टिमेट बना था। उसमें अंबेडकर की लाइब्रेरियां भी थी, अंबेडकर भवन थे, चमार जाति की धर्मशालाएं थी, वाल्मीकि समाज की धर्मशालाएं थी, और 25 करोड़ का एस्टिमेट बना था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं किस प्रकार से कलम चलाई, 15 करोड़ रुपए देने का काम किया, और 15 करोड़ में से जिस प्रकार जैन साहब कर रहे थे, बता रहे थे, 12 करोड़ रुपए के लगभग 20-30 लाख ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके SC समाज के ही मंजूर हुए हैं, चाहे वो अर्जुन नगर है, चाहे वार्ड नंबर 12 है,
और चाहे रामनगर है, आपकी यहाँ की भी शायद 29 के लगभग गली मंजूर हुई है, 29-30 जी। और इस वार्ड की वैसे भी तो धर्मपाल जी माननीय मुख्यमंत्री ने पहले नहीं कमी छोड़ी, गलियों गलियों के लिए ही 6 करोड़ के लगभग 6 करोड़ से ऊपर है आपके इस वार्ड के पैसे बलजीत जी आ चुके हैं और इन पे बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। किसी न किसी गली के साथी बहन भाई मेरे पास भी जाते हैं और मैं कहता अरे आते पता कब है, जब बारिश हो जाए, फिर मैं जब तंग हुआ ना फिर आ जाएंगे, देखियो जी मारी गली जाकर। ए महा मैं सारी उम्र इसी गलिये में रह जाऊँगा, थमने काटे इन गलियाँ दबार, तो मैं इस बात को समझता भी हूँ। मैं एक वादा करके जाता हूँ कि भाई बलजीत जी, चाहे आपका यहाँ पर अंबेडकर भवन बनाओ, कम्युनिटी सेंटर बनाओ, धर्मशाला बनाओ, चाहे लाइब्रेरी बनाओ, और कोई भी गली, एक भी गली आपकी कच्ची नहीं रहने देंगे, एक गली भी।